वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा ऑफ बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सैम। अगर हम वाइवा की बात करें तो वाइवा मेनली हमारा एलयू के मेन कैंपस में कंडक्ट होता है एंड जनरली ये आपके कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि वो आपका वाइवा कहाँ कंडक्ट कराते हैं। सो द मेन थ्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं, सो फर्स्ट वन इज़ कि करंट जो आपका सेमेस्टर है दैट इज़ पर्टिकुलरली द सेकेंड सैम, उसमें आपके कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के क्या नेम है। सो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये बताने में कि क्या सब्जेक्ट्स हैं टोटल और उनके क्या क्या नाम हैं। सो जैसे कि पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन सेकंड बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ये आपके सिक्स सब्जेक्ट्स हैं और देन आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा है। सो टोटल आपका 700 का हुआ ये पूरा सेमेस्टर। एंड सेकंड क्वेश्चन उनका होता है कि आपके कितने एग्रीगेट परसेंटेज हैं आपके लास्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ योर फर्स्ट सैम। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आप क्या पढ़कर आए हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़कर आए हैं। सो ये आपसे वो पूछते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है। सो अगर हम बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं वाइवा में, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं सो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ क्या है, प्रोक्योरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, देन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, एम्प्लॉय हेल्थ, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड डाउन साइजिंग VRS, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया क्या है, RBI का क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, एंड मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, देन कौन कौन से ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के इंडिया में, देन रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपसे ही पूछ भी सकते हैं, जिसमें आपका चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट तीनों आते हैं। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं एंड बैंक गारंटी क्या होता है और बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, देन स्ट्रक्चर ऑफ MIS वर्सेज डाटा प्रोसेसिंग पूछा जा सकता है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल पूछ सकते हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, फीचर्स क्या हैं कंट्रोल प्रोसेस के और क्या नेचर है कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन में। देन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स क्या होता है एंड एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट क्या होता है, देन वेयर हाउसिंग एंड आर्किटेक्चर, सो दीज आर द टॉपिक्स। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट, सो आपसे पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिकेशन की, क्या उसके फीचर्स हैं, क्लासिफिकेशन क्या है कम्युनिकेशन का, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग एंड डुप्लीकेटिंग इंपॉर्टेंट है, देन बिजनेस नेगोसिएशंस पूछे जा सकते हैं एंड उसके बाद कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन आपसे पूछा जा सकता है, राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ई कॉरेस्पॉन्डेंस एंड करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है, एंड देन फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न ऑफिस, देन ऑफिस मैनेजर जॉब एनालिसिस, ऑफिस एकोमोडेशन एंड लेआउट,
देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज स्टैटिस्टिकल मैथड. स्टैटिस्टिकल मैथड आपका जो सब्जेक्ट है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है. सो बट फिर भी अगर एग्जामिनर चाहें तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या फार्मूलाज हैं इससे रिलेटेड, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, एंड क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, उसका क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, मीन डेविएशन का फार्मूला, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर. सो इनके फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं. एंड अगर हम थ्योरी की बात करें तो डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिकल मैथड की, स्कोप, टाइप्स एंड मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ सीरीज. देन डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोबेबिलिटी के, बायस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशनल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, सो ये टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस एनवायरमेंट. सो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरमेंट का. प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट, एंड आपके जो एक्ट्स दिए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक MRTP एक्ट, FEMA, SEBI, कॉम्पिटिशन लॉ. देन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंसेस क्या हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है रिसेंट ईयर की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, एंड यूनियन बजट एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, दैट्स इट. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं एंड जो कि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं. सो इफ आई शेयर माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस टू यू ऑल, सो मेरा वाइवा LU के मेन कैंपस में कंडक्ट हुआ दिस ईयर. एंड हमसे भी तीन जनरल क्वेश्चंस थे, बट उस टाइम पे हमारा रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट सेमेस्टर का. सो हमारे टीचर्स ने पहले ही एग्जामिनर्स को ये चीज़ क्लियरफाई कर दी थी कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया. सो हमसे वो क्वेश्चन तो नहीं हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द टू क्वेश्चंस वर, द फर्स्ट वन वाज कि आपके कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के नेम्स क्या हैं, एंड देन द लास्ट क्वेश्चन वाज कि आप क्या पढ़ कर आए हैं, पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट, एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कौन सा टॉपिक पढ़ कर आए हैं. सो आई चूजेज बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड क्योंकि बैंकिंग जो टर्म है वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और हम यूज़ भी करते हैं बैंकिंग के टर्म्स को, तो वो चीज़ वाइवा के लिए पढ़ना थोड़ा सा ईजी था हमारे लिए. सो आई चूजेज बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड जब उन्होंने बोला कि आप क्या टॉपिक पढ़ कर आए हैं, सो आई सेड मॉनेटरी पॉलिसी. सो ये रियली आप पे डिपेंड करता है कि अगर वो आपको ये चॉइस दे रहे हैं कि आप क्या टॉपिक पढ़ कर आए हैं, सो आप जिस भी टॉपिक में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या फिर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं, सो आप वही टॉपिक उन्हें सबसे पहले बताइए. सो आई चूज्ड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड उन्होंने पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, उनका पहला क्वेश्चन था. सो मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एंड देन उन्होंने पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, कौन बनाता है. सो द आंसर वॉज मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है. एंड देन देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज़ RBI, RBI क्या है. सो आई सेड RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. देन उन्होंने बोला कि कितने सेंट्रल बैंक्स हैं इंडिया में. सो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको अपने आंसर पे बहुत कॉन्फिडेंट रहना है. हम सब जानते हैं कि एक ही सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ RBI. बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिन्हें हम कमर्शियल बैंक्स भी कहते हैं. सो आई सेड देर इज़ वन सेंट्रल बैंक, दैट इज़ RBI, एंड ऑल अदर आर कमर्शियल बैंक्स, दैट इज़ नेशनलाइज्ड बैंक. तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर देर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक. सो द आंसर वॉज येस. एंड देन उन्होंने बोला कि आपने बोल देन जैसा कि मैंने कहा कि बाकी सब नेशनलाइज्ड बैंक हैं यानी कि कमर्शियल बैंक्स. उन्होंने पूछा कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं. सो द आंसर वॉज ही कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स में आपके प्राइवेट बैंक्स आते हैं, पब्लिक बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक्स
आर इन द रीजनल रूरल बैंक्स। तो उन्होंने पूछा कि प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं, एंड सो वो क्वेश्चन वहाँ से हुआ। एंड देन उन्होंने पूछा कि द लास्ट क्वेश्चन वॉज कि आप हमें एक वर्ड में बताइए कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। लाइक आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक तो वो कि इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स, बैंकर्स ऑफ द बैंक, कस्टोडियन ऑफ द कमर्शियल बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्रेडिट कंट्रोलर। सो ये सारे ना बता के उन्हें एक वर्ड में बताना था कि क्या फंक्शन होता है आरबीआई का। सो द आंसर वॉज द आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है और फैसिलिटेट करता है जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमारी मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड। सो उसके बाद जो अदर स्टूडेंट्स थे उनसे भी क्वेश्चंस थे कि पब्लिक और प्राइवेट बैंक में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अगर एचआरएम की बात करें तो एचआरएम से क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, कितने प्रोसेसेस आपने पढ़े हैं उसमें, थ्योरी ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ चेक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट बताइए, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइप्स में डिवाइड करा गया है, और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है। सो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से सेक्शन में आता है, एंड उस सेक्शन के अंदर आपके जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज़ चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्हें कौन कौन से सेक्शंस में डिफाइन करा गया है। सो ये क्वेश्चंस थे। सो आई वुड से कि आप कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर्स को लेकर, एंड बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका पहला वाइवा है एंड एग्जामिनर भी ये जानता है कि बच्चा पहली बार वाइवा दे रहा है, सो वो भी आपके साथ कॉर्पोरेट करेंगे। बट हाँ, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे कि आपके जो भी आंसर्स हैं उनको लेके, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जैसा कि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो समझाना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक बेटर वे में होना चाहिए जिससे वो आपके आंसर्स को अच्छे से समझ जाए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे, किसी और पर्सन का। सो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो हमसे किसी भी सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं, बट इफ़ यू आर हैविंग अ चॉइस दैट विच सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड, सो इट गोना बी ईजी फॉर अस, एंड आप कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर्स को लेकर। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एचआरएम पढ़ कर जाएंगे या एमआईएस पढ़ के जाएँ, आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करें जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड हमने बैंकिंग इसलिए चूज़ करा बिकॉज बैंकिंग टर्म्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो वो चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए ईजी था। सो मैंने बैंकिंग में प्रिपेयर करा कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक क्या है, कितने टाइप्स के हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सारे हमारे बैंक रेट्स आ जाते हैं। सो ये चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा ईजी था। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर स्ट्रैटेजी, एंड कि आप कैसे कौन सा सब्जेक्ट इतने अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आंसर्स वहाँ दे सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स एंड अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जस्ट यूज़ द प्रॉपर वर्ड्स, द एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू गिव योर आंसर टू द एग्जामिनर, एंड इट विल ऑल मेक योर मार्क्स अपग्रेड। सो दिस वीडियो एंड्स हियर, थैंक यू।